दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो इस मूवी में हम देखेंगे एक ऐसे पुलिस ऑफिसर को जो पहले फ्लाइंग ड्रैगन्स का मेंबर होता है, लेकिन जब गवर्नमेंट उसके लीडर को मार देता है तो वो 3 साल पुलिस बनकर गवर्नमेंट की ही जासूसी करता है और समय आने पर पुलिस को मारने लगता है। तो चलिए आपको ये कहानी जरा ब्रीफ में सुनाते हैं। तो मूवी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है, जहाँ पर हम फेंग टाइन टाउन के पुलिस हेडक्वार्टर्स को वहाँ पर देखते हैं। फिर वहाँ पर कुछ सोल्जर्स आते हैं और वो कैप्टन लियो और कैप्टन जिन को कहते हैं कि हम पेट्रोलिंग करने के लिए जा रहे हैं, और वो लोग वहाँ से चले भी जाते हैं। इसके बाद लियो जिन से कहता है कि हम लोग फिर से बिजी होने वाले हैं क्योंकि सरकार ने हमें फ्लाइंग रॉकेट्स के न्यू लीडर को पकड़ने के लिए 10 दिन का टाइम दिया है। इस पे जिन कहता है कि तुम्हें तो याद ही होगा कि पिछले फ्लाइंग रॉकेट्स के लीडर को पकड़ने में हमें 3 महीने लग गए थे और यहाँ पर सिर्फ तुम 10 दिन की बात कर रहे हो, ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। इसके बाद लियो जिन से पूछता है कि क्या तुम्हें न्यू पियोनी पेविलियन के बारे में कुछ भी पता है, तो जिन कहता है कि हाँ। फिर लियो कहता है कि तुम्हें अब वहाँ कोई जानता है, जिस पे जिन कहता है कि नहीं, क्योंकि मैं अभी तक वहाँ पर गया ही नहीं हूँ। क्यों, तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो, क्या कोई खास बात है? तो इस पर लियो कहता है कि एक्चुअली वहाँ पर एक लड़की है जिस पर हमें शक है कि वो फ्लाइंग रॉकेट्स की मेंबर हो सकती है। फिर जिन कहता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं जा करके चेक कर सकता हूँ। अब अगले सीन में हम जिन को पियोनी पेविलियन में देखते हैं, जो कुछ लड़कियों के साथ ठग्स ऑफ वॉर खेल रहा होता है। फिर कुछ देर के बाद वो मैडम मैडम करके वहाँ पर आवाज लगाता है और वहाँ पर एक लेडी आ जाती है और पूछती है कि मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। फिर जिन कहता है कि हमने सुना है कि यहाँ पर एक नई लड़की आई है, तो मैडम कहती है कि हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। फिर जिन कहता है कि उसको मेरे पास लेकर आओ। फिर मैडम कहती है कि वो लड़की एक्चुअली में ठीक से देख नहीं सकती। फिर जिन मैडम को 2 कीमती पत्थर जैसे कुछ अजीब सी चीज देता है और मैडम उस लड़की को जिन के पास लेकर आती है। उस लड़की का नाम मी होता है और जिन उसको खुद के सामने डांस करने के लिए कहता है। वो डांस करने भी लगती है। डांस खत्म होते ही जिन उसके साथ जबरदस्ती इंटीमेट होने लगता है, जब सब लोग उसको हटाने की कोशिश कर रहे होते हैं। और तभी वहां पर कैप्टन लियो आ जाता है। वो अपने सोल्जर से कहता है कि दोनों को अरेस्ट कर लो, लेकिन मैडम तभी जो होती हैं वो उनसे रिक्वेस्ट करने लगती हैं कि इसमें एक्चुअली में मी की कोई गलती नहीं है, ये तो सिर्फ एक डांसर है और सारी गलती इस लड़के की है। तब लियो मी से पूछता है कि क्या तुम इको गेम जानती हो, जिस पे लियो कहती है कि हाँ, मैंने एक बार इसे खेला हुआ है। फिर लियो कहता है कि ठीक है, अगर तुमने अच्छा खेला तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। इसके बाद मी अपने कपड़े चेंज करके आती है और ये लोग इको गेम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इको गेम में चारों तरफ बड़े बड़े डमरू होते हैं और छोटे छोटे पत्थर से उस डमरू पर मारा जाता है और उस लड़की को उसी डमरू पर अपने कपड़े से टच करना होता है। अब लियो एक एक करके पत्थर फेंक रहा होता है और मी एक एक करके सही डमरू पर टैप कर रही होती है, और तभी अचानक लियो की जो तलवार होती है वो अपने कपड़े में फंसाती है और उस पर हमला कर देती है, लेकिन लियो जो होता है यहाँ पर बच जाता है। इसके बाद दोनों में बहुत लड़ाई होती है, लेकिन लियो फाइनली जीत जाता है और उसको अपना बंदी बना लेता है। इसके बाद हम हेडक्वार्टर का सीन यहाँ पर वापस से देखते हैं, जहाँ हम लियो और जिन को देखते हैं, और एक सोल्जर तभी मी का कुछ सामान लेकर के आता है। उसको देखकर लियो मी से कहता है कि तुम फ्लाइंग ड्रैगन्स की मेंबर हो ना, तो लियो उसे उसके कुछ न्यू लीडर्स के बारे में कुछ सवाल पूछता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताती है। इसके बाद लियो उसको 3rd degree torture के बारे में बोलता है, लेकिन वो तब भी कुछ भी नहीं कहती है। इसके बाद वो अपने सोल्जर से कहता है कि एक काम करो, इसे जेल में बंद कर दो। इसके बाद हम लोग रात का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक मास्क पहने हुए आदमी आता है और सारे सोल्जर्स को मारता है और मी को वहां से भगाकर जंगल की तरफ लेकर जाता है। फिर वो लोग एक जगह रुकते हैं और घोड़े से उतरकर पैदल चलने लगते हैं। फिर मी उससे पूछती है कि आखिर तुम कौन हो, और वो इंसान अपना मास्क हटाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो दरअसल होते हैं कैप्टन जिन। इसके बाद जिन मी से कहता है कि इतनी जल्दी तुम मुझे भूल कैसे सकती हो, हम कल ही तो मिले थे। फिर मी कहती है कि तुमने भला मेरी जान क्यों बचाई, जिस पर जिन कहता है कि तुम इतना सब कुछ सोच भी क्यों रही हो, तुम इतनी खूबसूरत हो और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। इतना सुनकर मी उसे कहती है कि मेरा हाथ छोड़ो और मुझे यहाँ से जाने दो। तो वो कहता है कि देखो, अब मैं कोई पियोनी पेविलियन का मेहमान नहीं हूँ और ना ही तुम वहाँ की अब कोई डांसर हो, तुम पुराने लीडर की बेटी हो। और साथ ही कहता है कि तुम्हारी जैसी और कितनी लड़कियां हैं जो मार्शल आर्ट जानती हैं और ऐसे ड्रैगन रखती हैं, और वो ऐसा बोलते हुए उसका ड्रैगन उसे वापस कर देता है। फिर मी कहती है कि तुमने भला इतना बड़ा खतरा मेरे लिए क्यों मोल लिया, जिस पर जिन कहता है कि मैं इस गवर्नमेंट से एक्चुअली नफरत करता हूँ और फ्लाइंग ड्रैगन्स की बहुत इज्जत करता हूँ।
इसके बाद में मी उससे उसका नाम पूछती है, जिस पर जिन कहता है कि तुम मुझे विंड बुला सकती हो। वो दोनों इसके बाद जंगल की ओर आगे बढ़ने लगते हैं और कुछ सोल्जर्स उनका पीछा कर रहे होते हैं। वो लोग भागने लगते हैं और तभी मी कहती है कि मैंने अपना जो ड्रैगन है वो कहीं पर गिरा दिया है। अब जो जिन होता है वो उसे ढूंढने के लिए वापस जाता है और तभी जो कुछ सोल्जर्स होते हैं वो उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन मी बहुत ही चालाकी से उन सभी को धूल चढ़ा देती है और वहां से भागने लगती है। लेकिन तभी चार सोल्जर्स आके उसको घेर लेते हैं और मी डटकर उनका सामना कर ही रही होती है कि तभी जिन उन पर आकर के तीर से हमला करता है और वो सब वहीं पर गिर जाते हैं। फिर जो जिन होता है मी के पास आता है और उसे कहता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हें इस तरह से यहाँ पर अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए था और मुझे आने में देर हो गई। और फिर वो मी को गले से लगा लेता है और वहां से उसको लेकर के आगे बढ़ता है। और फिर हम देखते हैं कि वो जो चार सोल्जर्स होते हैं वो उठकर वापस से खड़े हो जाते हैं क्योंकि जिन ने जानबूझकर उन्हें जान से नहीं मारा होता है। अब अगले सीन में जिन मी को अपने कपड़े देता है और नहाने को बोलता है और वो वहीं पर खड़े होकर उसको एक्चुअली में देख रहा होता है। और इसके बाद जैसे ही वो जाने लगता है तो मी उसे रोक लेती है और बोलती है कि तुम मुझे कपड़े देकर ही जाना। और इसके बाद जब वो कपड़े पहन लेती है और इस वक्त वो वाकई बेहद खूबसूरत लग रही होती है। इसके बाद जिन उसको पीछे से आकर के पकड़ लेता है और कहता है कि तुम जानती थी कि मैं पूरे वक्त यहीं पर खड़ा था, फिर भी तुमने मुझे खुद को देखने क्यों दिया। जिस पर मी कहती है कि तुमने मेरी जान बचाई है और तुम जितना चाहो मुझे देख सकते हो। फिर जिन उसको जमीन पर लिटा देता है और उसको किस करने लगता है और उसके कपड़ों को खोलने लगता है, लेकिन मी उसके लिप्स पर अपना हाथ रख देती है और फिर जिन उसको छोड़ देता है और ये दोनों आराम से लेट करके कुछ देर तक बातें करते हैं। और इसके बाद मी की आंख लग जाती है। जैसे ही जिन देखता है कि वो सो गई है वो चुपके से उठ करके लियो के पास आ जाता है। जिन आते ही जैसे ही लियो से मिलता है तो उससे पूछता है कि क्या हमारे आदमी आसपास हैं, तो लियो कहता है कि नहीं। और लियो कहता है कि आज की लड़ाई के कारण तो पक्का जो मी है वो बेवकूफ बन ही गई होगी। तो लियो जिन से कहता है कि देखो थोड़ा संभल कर, क्योंकि जो मी है ये अपने फादर की जितनी ही चालाक है, कहीं उसको तुम पर शक ना हो जाए। इसके बाद जिन कहता है कि देखो लड़कियों को फंसाने में मैं कभी भी नाकामयाब हुआ ही नहीं हूँ, उसे मुझ पर खुद से भी ज्यादा भरोसा है। और ऐसा बोलकर वो वहां से चला जाता है। अब अगले दिन सुबह दोनों घोड़े से वापस ही आगे बढ़ते हैं और वो लोग एक फूल के खेत के पास रुकते हैं। एक्चुअली में मी को फूलों की खुशबू बहुत ज्यादा पसंद होती है। फिर जिन उसके लिए कुछ फूल इकट्ठा करके लाता है और उसको दे देता है। और तभी वहां पर अचानक से कुछ सोल्जर्स उन पर हमला करते हैं। वो दोनों मिलकर उन सोल्जर्स का सामना करते हैं, लेकिन जिन उस लड़ाई में थोड़ा सा जख्मी हो जाता है, लेकिन फिर भी वो दोनों सोल्जर्स से लड़ते हैं और मी अपने ड्रैगन से सोल्जर्स को मारती है और वो दोनों वहां से इसके बाद भाग जाते हैं। लेकिन सोल्जर्स अभी भी इनका पीछा कर रहे होते हैं और आकर के एक वक्त पर चारों तरफ से इन्हें घेर लेते हैं। और तभी दूसरी तरफ से कोई नुकीली सी लकड़ी से उन पर हमला कर देता है और सारे सोल्जर्स को वहीं पर मार देता है। ये देखकर तभी जिन मी से तुरंत कहता है कि कहीं ये फ्लाइंग ड्रैगन्स तो नहीं। तो मी उन लकड़ियों को छू करके कहती है कि नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। तब जिन कहता है तो फिर भला ये कौन है। तो मी कहती है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। इसके बाद वो दोनों वहीं पर बैठ जाते हैं और मी पीछे से आकर के जिन को गले लगा लेती है और उसे किस करने लगती है, लेकिन जिन उसको दूर हटा देता है। लेकिन फिर ये देख करके मी उससे कहती है कि देखो तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और आज वाकई तुमने जो किया है मैं उसका एहसान कभी नहीं चुका सकती। अब तुम एक काम करो, तुम यहां से चले जाओ और मेरी चिंता बिल्कुल मत करो। लेकिन जिन कहता है कि देखो अब मैं इतनी दूर आ चुका हूं और अब मैं तुम्हें इस सफर पर अकेले नहीं छोड़ सकता हूं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि जो जिन होता है लंगड़ाते हुए गुस्से में लियो के पास आता है और लियो जिन से कहता है कि तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई। जिस पर जिन गुस्से में कहता है कि हमने ये डिसाइड किया था ना कि अब और भी ज्यादा लड़ाई नहीं होगी, फिर ये क्या है, इतने सारे सोल्जर्स कहाँ से आ गए। तो लियो कहता है कि देखो उनको जनरल ने भेजा है और वो लोग तुम्हें नहीं जानते हैं, मामला बहुत ज्यादा गंभीर हो गया था इसीलिए मुझे जनरल को रिपोर्ट करना पड़ा और इस मामले को अब जनरल ही हैंडल कर रहे हैं और फ्लाइंग ड्रैगन्स को पकड़ने के लिए जनरल किसी भी हद तक जा सकते हैं। और मैं तुम्हें ये भी बता दूं कि आगे भी बहुत सारे सोल्जर्स हैं जो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और वो तुम्हें नहीं जानते हैं। तब जिन कहता है कि तुम्हें उन्हें रोकना चाहिए। तो लियो बोलता है कि उनको जनरल ने ऑर्डर दिया है कि करो या मरो, इसीलिए अगर तुमने उनको नहीं मारा तो वो डेफिनेटली तुम दोनों को मार देंगे। और लियो जिन को कुछ तीर भी देता है, लेकिन जो जिन होता है ये इतने गुस्से में होता है कि उन तीरों को वहां पर फेंक कर वहां से आके चला जाता है। अब अगले सीन में हम मी को जंगल में बैठे पानी पीता हुआ देखते हैं और तभी कुछ सोल्जर्स आकर उस पर हमला कर देते हैं,
लेकिन मी जरा भी नहीं घबराती है और डटकर उनका सामना करती है और उनसे लड़ने लगती है। बहुत सारे सोल्जर्स उसको घेर लेते हैं लेकिन वो उन सब पर भारी पड़ती है और लड़ते हुए उसका बैम्बू अब टूट जाता है और एक सोल्जर उसको मारने ही वाला होता है कि तभी वहां पर जिन आ जाता है और उन सोल्जर्स से लड़ने लगता है। लेकिन सोल्जर बहुत सारे होते हैं और बैम्बू फेंक फेंक कर उन दोनों को उन लोगों ने फंसा लिया होता है और तभी अचानक से कहीं से बहुत सारे ड्रागर को कोई फेंकता है और सारे सोल्जर्स यहाँ पर मर जाते हैं। और वहाँ सामने एक लेडी और बहुत सारे लोग होते हैं जिसको देखकर मी कहती है निया और वो उन दोनों को आजाद करा लेती है। इसके बाद हमें पता चलता है कि पियोनी पेविलियन की मैडम ही फ्लाइंग ड्रैगन्स की न्यू लीडर हैं। इसके बाद निया यानी कि मैडम उनको अपने अड्डे पर लेकर के जाती हैं और जिन को यहाँ पर बंदी बना लिया जाता है। इसके बाद वो लियो को भी बंदी बना करके अपने पास बुलाती हैं और फिर वहां पर मी आती है जो कि देख सकती होती है। इसके बाद जिन कहता है इसका मतलब तुम पुराने लीडर की बेटी नहीं हो, जिसपे मी कहती है कि नहीं। तो जिन पूछता है कि तो फिर तुम कौन हो, तो मी कहती है कि मैं फ्लाइंग ड्रैगन्स की एक मेंबर हूँ। इसके बाद मैडम अपने आदमी से कहती हैं कि लियो को बाहर लेकर के जाओ और वो कहती हैं कि देखो इस आदमी को छोड़ दो क्योंकि इसको मैं खुद खत्म करूंगी। और इसके बाद वो उसको लेकर के आगे बढ़ती हैं और उसकी रस्सी को खोल देती हैं और उसे शाबाशी देती हैं कि निया तुम्हारे काम से वाकई बहुत खुश है, तुमने और मी ने मिलकर बहुत ही काबिल तारीफ काम किया है और उस जनरल को वाकई फंसा लिया है। अब यहीं पर वापस से एक और ट्विस्ट आता है और हमें एक नई बात पता चलती है। एक्चुअली में वो मैडम न्यू लीडर नहीं है बल्कि कोई और ही लीडर होती है और लियो भी 3 साल से निया के लिए ही काम कर रहा होता है। लियो कहता है कि मुझे मी से मिलना है क्योंकि मैं उसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ। फिर मैडम उसे मी के पास भेज देती है लेकिन लियो ने अपनी आंख पर पट्टी बांधी होती है और मी ये समझ जाती है कि हमें यहाँ पर इको गेम खेलना है और वो दोनों इको गेम खेलने लगते हैं। फिर वो दोनों बातें करने लगते हैं और फिर मी लियो के पास आती है और उसको गले से लगा लेती है। इसके बाद वो उसे जमीन पर लेटा देता है और उससे इंटीमेट होने लगता है और उसे किस कर ही रहा होता है। लेकिन कुछ ही देर में जो मी होती है वो अनकंफर्टेबल होने लगती है और उसे रोक देती है और हटने को बोलती है। तो इस पर लियो उसे कहता है कि क्या तुम उससे प्यार करने लगी हो, तुम्हें पता है ना कि वो सिर्फ एक प्लान का हिस्सा ही था और मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। और इसके बाद वो जबरदस्ती उससे इंटीमेट होने लगता है और तभी पीछे से निया अपना ड्रैगर फेंकती है और उसको हटने के लिए बोलती है और उसे कहती है कि तुम उससे इस तरह से जबरदस्ती नहीं कर सकते हो। निया लियो से कहती है कि मैं तुम्हें काम से वापस भेज रही हूँ और पीठ पर तुम ड्रैगर लगा कर रखोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। इतना सुनकर लियो वहां से चला जाता है और इसके बाद निया मी के पास आकर कहती है कि मैं तुम्हारे लिए भी एक काम लेकर आई हूँ। देखो अब जिन हमारे किसी काम का नहीं है तो तुम उसे ले जाकर के मार दो। देखा जाए तो लियो हमारे लिए ज्यादा अच्छा काम कर रहा है, कहीं जिन उस काम को खराब ना कर दे, इसीलिए अब तुम्हें उसे मारना ही होगा। इसके बाद मी जिनकी आंख पर पट्टी बांधकर उसको जंगल की तरफ लेकर के जाती है और वहां पर उसको मारने की बजाय उसको खोल देती है और उसके साथ इंटीमेट होने लगती है। दोनों एक दूसरे में पूरी तरह से खो जाते हैं और बहुत देर मजे करने के बाद जिनको वो वहां से भाग जाने को कहती है। तो इस पर जिन उसे कहता है कि तुम निया को जाकर के क्या जवाब दोगी, तो वो कहती है ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो और यहां से चले जाओ। तब जिन कहता है कि क्या हम दोबारा कभी नहीं मिल सकते, तो मी कहती है कि कभी भी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हमारे रास्ते बिल्कुल अलग हैं और अगर हम दोबारा मिले तो हम दोनों में से किसी एक को मरना ही होगा। इसके बाद जिन वहां से अपना घोड़ा लेकर के आगे बढ़ता है और मी भी उसके पीछे जा रही होती है। लेकिन तभी वहां पर एक ड्रैगर आता है और अचानक से मी के ऊपर हमला कर देता है और वो ड्रैगर कोई और नहीं बल्कि लियो होता है। लियो आकर के मी से कहता है कि तुम जिन के साथ जा रही हो ये जानते हुए भी कि मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूं, हमारे प्यार का क्या, इसीलिए अब तुम्हें यहां पर मरना ही होगा। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिन वापस अपने घोड़े को घुमाता है और मी की तरफ आता है और वो वहां पर पहुंचकर जमीन पर जैसे ही खून देखता है तो लियो पे तुरंत हमला कर देता है और फिर जिन कहता है कि तुम भी फ्लाइंग ड्रैगन्स के मेंबर हो और तुम ही हो जो उससे प्यार करते हो। तो लियो कहता है कि तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना। और इसके बाद दोनों बहुत ही ज्यादा लड़ने लगते हैं। ये लोग इस तरह से लड़ते हैं कि पूरा मौसम ही चेंज हो जाता है, बर्फ गिरने लगती है और लियो और जिन बस लड़े जा रहे होते हैं। और कुछ देर के बाद मी को तभी होश आता है और वो लियो को रुकने को कहती है और अपनी बॉडी से ड्रैगन निकाल कर लियो को कस कर फेंक कर मारती है। और इसके बाद जिन वापस से मी के पास आता है, उसे गुड बाय किस करता है और ये मूवी अब यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये थ्रिलिंग लव स्टोरी? अगर आपको इस मूवी की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ अपने दोस्तों को भी ये मूवी जरूर से शेयर करिएगा। मैं जल्दी से वापस आने वाली हूँ एक और अमेजिंग सी नई मूवी की कहानी के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।